हेलो एवरीवन, ये मेरा बिगनर क्लास डे वन का वीडियो है और ये देखिए डे टू में मैं ये वाला ड्राई शेड करना बताई हूँ और ये वेट शेड करना बताई हूँ। तो ये दो सिंपल फ्लावर बताई हूँ और ये टोटल 10 टाइप्स की लीफ बताई हूँ। आज जो फ्लावर मैं ड्रा कर रही हूँ ना, इसके लिए सबसे पहले देखिए ऐसे एस जैसा बनाएंगे और फिर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप में एस जैसा बनाएंगे और फिर ये वाला जो सेकेंड एस बनाई है ना, इसको देखिए थोड़ा सा दूर करके बनाएं कि उसमें हम लोग एक और पत्ती की लाइन निकाल सकें और फिर उसको इस तरीके से राउंड करके मिला देंगे। और देखिए मैं कपड़े पे डार्क इसलिए ड्रॉ करती हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे, वरना मैं खुद ऐसे करना रहता है ना तो मैं रफ ड्रॉ करती हूँ हल्का सा, फिर उसके बाद उसको सही कर देती हूँ। तो इसी तरीके से बस हम लोग ये ड्रॉ कर लेंगे। चीज़ मैं बता दूं, आप लोग पेंटिंग शुरू करें ना तो ये बड़ी वाली पैक फेविक्रिल का व्हाइट लेना, तो ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में पड़ता है। ये छोटी छोटी बॉटल में समझो कि 100 रुपीज़ में ये छोटी बॉटल 4 आ जाएगी और ये 7 आ जाएगी, एक साथ लेंगे तो ये लेना आप लोग को काफ़ी रिजनेबल पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले ना ब्रश के कॉर्नर पर लूँगी ऑरेंज कलर और कॉर्नर पर लेने के बाद देखिए ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग के समझो कि ऊपर के साइड हम लोग ऐसे लगाएंगे, ये ऊपर के साइड ये यहाँ पर पूरा ये व्हाइट लगेगा। अब ये देखिए ये यहाँ पे ये साइड में, मतलब ये बस ये चीज़ का ध्यान देना, ये देख ये है ना, ये देखिए ये है यहाँ पे, ये इसमें अब ऐसे इसमें ये है, अब ऐसे इसमें और अब इसी तरीके से इसमें, अब देखिए इसी इसमें ये लग गया। तो आज की वीडियो में ना मैं मेन बताती हूँ कि हम लोग डार्क कलर लगा के कैसे भी कोई भी चीज़ को कैसे हाईलाइट करते हैं, वो चीज़ मैं बताऊँगी। अब ये देखिए इसको ना मिक्स कर देंगे अच्छे से, शेडिंग इसमें कर देंगे मिक्स, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से हम लोग अपनी शेडिंग कंप्लीट कर देंगे। अब ये देखिए जैसे सूख जाए तो इसको ना ऐसे करना है, देखिए मिक्स हो गया ना। अब देखिए इसको ना हम लोग येल्लो वाले को ऐसे थोड़ा सा करके ये देख, अब मैं इसको पोछ लूँगी, ये मेरा ब्रश से थोड़ा उधर चला गया, देखिए ऐसे किए, अब इसको येल्लो वाले को इधर कर देंगे, बस यहाँ का थोड़ा दिखे तो अच्छा रहेगा, बस इस तरीके से शेडिंग कर देंगे। ये देखिए मिक्स हो गया, अब ये इसी तरीके से इधर का, और ये अगर ना सूख जाए, जैसे अभी मैं फन बन क्यों सूख जाए तो इसको क्या करेंगे, ब्रश को पानी से भिगा करके हल्का सा, देखिए अभी तो मेरा जब तक हो रहा है तो मैं इसको करूँगी, देखिए ये वाला सूख गया है, ये भी हो रहा है, थोड़ा सा प्रेशर देके करेंगे ना तो भी मिक्स हो जाएगा, नहीं होगा तो बस सिंपल ब्रश को हम लोग ऐसे पानी में डिप करके निकालेंगे। देखिए पानी में डिप करके निकाली, फिर ब्रश को हमेशा इसी तरीके से ऐसे क्लीन करना ऐसे बस। और ये अब मैं वाइट कलर ले रही हूँ और व्हाइट कलर को ब्रश के कॉर्नर पे ले करके, देखिए इस तरीके से ब्रश के कॉर्नर पे लेके फिर इसको ऐसे करके हम लोग आउटलाइनिंग बनाएंगे, ये हुआ
इधर रखती हूँ। ये मेरा 1 नंबर का फ्लैट ब्रश है, इस तरीके से करेंगे। ये हो गया बस, तो यही चीज है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ऐसा कर शेडो दे देंगे, जिसे व्हाइट कलर लगा रहेगा ना ब्रश पे, तो थोड़ा सा ये एरिया थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा बस। और ये देखिए ब्रश के कॉर्नर पे ली व्हाइट, और जब नई बॉटल खोले ना तो उसको मिक्स करने का, ऐसे शेक करके फिर यूज करने का, ये इस तरीके से। और जो कलर के बारे में जो चीज़ ज़रूरी है, जैसे कलर कितना पतला रहना चाहिए क्या है, तो उस चीज़ उसके लिए तो मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है बिगनर्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जो जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो तो वो चेक कर सकता है। ये देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं यहाँ से शुरू करके भी बताती हूँ, ये देखिए बस। अभी यहाँ पे मैं ब्रश थोड़ा वाइट वाला लगाई नहीं, ब्रश अगर सूख जाए तो मैं बताई हूँ कैसे करेंगे। बस ये हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं वाइट कर देती हूँ हाईलाइट, यहाँ पे थोड़ा जो ब्रश में लगा है थोड़ा ये एरिया अच्छे से थोड़ा दिखेगी, देखिए ये थोड़ा हो गया हाईलाइट। बस इसी तरीके से देखिए अब ये वाला सूख गया है, देखिए इसके ऊपर नीचे से अलग से जैसे आ रहा है। तो अभी मैं बताई ब्रश को मैं पानी में ऐसे डिप करके निकालूंगी, फिर उसके बाद बस इसको कपड़े से ऐसे कर लूंगी, और फिर अब हम लोग लगाएंगे ना, तो इसको देखिए प्रेशर हल्का सा देंगे ना तो वो नीचे से मतलब मिक्स होके अच्छे से बनेगा। तो आज ना मुझको वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं आज दोनों सिंपल फ्लावर ही बताई हूँ। तो ये डे 3 की क्लास है, मगर मैं सिंपल फ्लावर बता दी हूँ आज। तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जैसे लिली फ्लावर को ड्रॉ करूँगी, और उसमें ना दोनों डिफरेंस करके बताऊँगी, जैसे ड्राई शेड और एक वेट शेड, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो इसी तरीके से मैं जो शो फ्लावर है ना उसको भी इसी तरीके से बनाऊंगी, एक ड्राई शेड में बनाऊंगी और एक वेट शेड में बनाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं अपना आगे बनाऊंगी वीडियो इंशाल्लाह। और रोज़ में तो देखिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि रोज़ ना बहुत टाइप के होते हैं, और रोज़ में हर शेड अच्छा लगता है, ड्राई शेड भी बहुत अच्छा लगता है, वेट शेड भी बहुत अच्छा लगता है, और ड्राई में शेड में हम लोग दोनों कलर से करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से हम लोग अपना सारा फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे। और ये ना ब्रश के बैक साइड से मैं रेड कलर से बीच में ऐसे डॉट डॉट दे दूंगी। और अब ना ये मैं 2 नंबर का राउंड ब्रश ली हूँ, और उसमें देखिए ये रेड कलर से थोड़ा सा कॉर्नर हाईलाइट कर रही हूँ। अब देखिए ये कलर लगाने से उसके कितना चेंजेस आ गए हैं फ्लावर में, अभी मैं दोनों डिफरेंस दिखाऊंगी। तो आज का यही मेरा ये है कि मतलब वीडियो में बताने का मेन ये है कि मतलब हम लोग 3 कलर यूज़ करके कितनी अपनी डिज़ाइन के अंदर खूबसूरती ऐड कर सकते हैं। और अब मैं ये 2nd फ्लावर बना रही हूँ, ये तो और ईजी एकदम। और मेरा स्पेशल थैंक्स मेरे सारे व्यूवर्स को और मेरे सारे सब्सक्राइबर को, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मेरा स्पेशल थैंक्स, और जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको भी मेरा स्पेशल थैंक्स। बनाना ये वाला फ्लावर बहुत इजी है, तो सबसे पहले ना नीचे से ऐसे वाइट लगा लेंगे, तो ये नीचे से ना थोड़ा सा वाइट से ऐसे से बस हाईलाइट करेंगे हम लोग, बस ऐसे हाईलाइट करेंगे। और फिर ऊपर से ना यहाँ पे ये जो ऐसे है ना, तो इसके ऊपर हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो फिर ऐसे ऐसे वाइट को थोड़ा सा फैला देंगे इसके अंदर,
देखिए अभी गीला है ना तो ज्यादा दिख नहीं रहा, सूखने के बाद दिखेगा। ना ये अब ऑरेंज कलर से ना बस ब्रश के कॉर्नर पे ले करके इसको इसी तरीके से आउटलाइनिंग बनाएंगे। इसको फिर हम लोग शेडिंग कर देंगे। ये हो गया। अब ऐसी सेम इधर भी करेंगे, इसके नीचे जो व्हाइट करे है ना। ये हो गया शेडिंग हो गई। यहाँ पे थोड़ा व्हाइट छूट जाए। ये हो गया। अब देखिए इस तरीके से कैसा लग रहा है। इसको एज इट इज छोड़ देंगे तो दो कलर में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसमें हम लोग थर्ड कलर डालेंगे। ये अब रेड कलर लेंगे ब्रश के कॉर्नर पे लेके। देखिए जो उभरा हुआ हिस्सा ना इसको ऐसे बस हम लोग हाईलाइट करेंगे, ये इधर पे और ये थोड़ा सा साइड में, और इसको ना नीचे की तरफ देखिए ऐसे बस फैला दूंगी। अब ये कम है ना जगह तो मैं इसके ब्रश खड़ा करके फैला दी, थोड़ा नीचे तक फैलाएंगे बस। ये हो गया, तो ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके सेंटर में बस थोड़ा समय ये इसका और ये जो मेरे बैकग्राउंड से ना चीजों की आवाज आ रही थी तो ये रियल चूजा है, बच्चे लोग ये लेकर आए हैं।